नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर JSLPS का जो एग्ज़ाम हुआ था करीब करीब 1 महीना पहले सितंबर में, उसका यहाँ पर आंसर की जो है जारी किया गया है JSLPS द्वारा। काफ़ी लोग आप लोग पूछ रहे थे कब आएगा कब आएगा, तो ये आंसर की जो है कल करीब 10-11 बजे के करीब जो है अपलोड किया गया है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इसमें आएंगे, यहाँ पे आपको राइट साइड में सबसे पहला नोटिस दिख जाएगा आपका, जैसे JSLPS और OMR सीट एंड आंसर की, इसमें आपको रीड मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो नोटिस दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं क्या नोटिस दिया गया है। यहाँ पर देखिए नोटिस क्या दिया गया है। JSLPS के विभिन्न कार्यक्रमों परियोजनाओं के तहत बैकलॉग और नई रिक्तियों के लिए भर्ती का अभियान, उत्तर कुंजी के साथ उम्मीदवारों की OMR सीट की स्कैन कॉपी, JSLPS के तहत विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा 24-25, जैसा मैंने बताया जो 1 महीना पहले किया गया था। ये सब जो है इसमें दो चीज़ जो है दिया गया है, एक आप जो OMR सीट है आपका वो अपलोड किया गया है और दूसरा आंसर की जो है अपलोड किया गया है। यहाँ पे नोट दिया गया है लिखित परीक्षा में कुल अंक SPM PM SPC और PC को छोड़कर सभी पद के लिए 50 अंक, 50 अंक है इसमें। जैसा कि प्रश्न पत्र दिए गए निर्देशों में उल्लेख किया गया था, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग वो भी यहाँ पर दिया गया है 0.25 प्रत्येक ये में। उत्तर कुंजी के साथ उम्मीदवार की OMR सीट भी इसमें अपलोड किया गया है। यदि कोई उम्मीदवार जो लिखित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ है और OMR सीट की स्कैन कॉपी के संबंध में अभी आवेदन देना चाहता है तो वह हमें ईमेल भेज सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कोई मान लिया जाए कि एग्ज़ाम में अटेंड किए थे लेकिन उसका जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है OMR सीट, या फिर आंसर की तो सेम रहेगा, OMR सीट उसका अगर ये नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। आवेदन करना होगा। ईमेल जो है रोल नंबर और पद का नाम उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। ईमेल का पता यहाँ पर दिया गया है jslps.seats@gmail.com। ईमेल भेजने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 शाम 6 बजे तक है। इसके बाद OMR सीट से संबंध में किसी भी अभ्यावेदन शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए 4 नवंबर तक आपको भेजना होगा शाम 6 बजे तक। इसमें आपको जो है आप जो एग्ज़ाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड आपको जो मिला था आपको जाके OMR सीट उस सब का स्कैन लगा दीजिएगा, रोल नंबर ये सभी चीज़ लगाते हुए जो है अपना डिटेल देते हुए मेल करना है इस मेल एड्रेस पर, अगर किसी का अपलोड मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा है तो। यहाँ पे नोट दिया गया है केवल OMR सीट की स्कैन कॉपी अपलोड की जा रही है। यहाँ पर देखिए कोई इसमें क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ OMR सीट और आंसर की जो है वो दिया जा रहा है, कोई क्वेश्चन इसमें जो है अपलोड नहीं किया जा रहा है। चलिए इसको और देख लेते हैं अच्छे से कि कैसे डाउनलोड होगा हमारा। यहाँ पे दूसरा नोटिस जो दिया गया है, लिंक जो दिया गया है क्लिक हेयर फॉर स्कैन OMR सीट, इसमें जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक इंटरफेस आ गया है। इसमें सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं वो पोस्ट पहले यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है, फिर यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये सब जैसे डालिएगा यहाँ पे आपका जो है अभी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, देखिएगा नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट कोड, ये सब जो है अभी ब्लैंक आ रहा है। ये सब जैसे आप डालिएगा आपका यहाँ पे ये भरा हुआ आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, जैसे इसमें भर लेते हैं, इसमें सारा चीज आप जो है डाल के आपको सबमिट में क्लिक करना है। मैंने भर लिया है, मैं सबमिट में जैसे क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पर सारा चीज आ गया है, नाम, रोल नंबर, उसके बाद क्या मेरा ये था, ये सारा चीज आ गया है। उसके बाद यहाँ दो चीज दिख रहा है, क्लिक हेयर टू व्यू योर OMR सीट, उसके बाद है क्लिक हेयर टू व्यू स्टैंडर्ड करेक्ट आंसर की, ठीक है। ये दो चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो ये थोड़ा सा मतलब गलत है। क्वेश्चन अगर दिया जाता तो हम लोग ये भी देख पाते कि आंसर जो है वो सही में सही है या गलत है, ऐसे में क्या आंसर वो सेट किया है नहीं किया है, गलत को भी अगर सही मान रहा है तो उसी को हम लोग को मानना होगा, तो ये थोड़ा सा गलत है कैंडिडेट के लिए, हम सभी के लिए। तो यहाँ पर जो पहला है क्लिक है टू व्यू OMR सीट, इसमें करेंगे तो हमारा जो OMR सीट है देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, जो एग्ज़ाम दिए थे वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है
यहाँ पर है क्लिक है टू व्यू स्टैंडर्ड करेक्ट आंसर की, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ए बी सी डी जो भी है सारा यहाँ पर आंसर की आ चुका है। अब इसको आपको मिलाना होगा दोनों को कि आपका जो आंसर की है और जो आपका जो ओ एम आर शीट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कितना नंबर आया, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद इसमें आपका जितना राइट होता है फिर हर चार रॉन्ग पर जो है एक नंबर आपका माइनस होगा। तो यहाँ ये रिजल्ट तो नहीं है लेकिन मोटा मोटी आपको मान के चलिए आपको नंबर पता चल जाएगा कि आपको कितना नंबर काट छाट के जो है आने वाला है रिजल्ट जब आएगा। तो अब हम लोग इसमें कैसे समझेंगे कि मेरा जो है अगला राउंड के लिए सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए क्या है, देखिए ये जेएसएलपीएस का जो है खुद का ये जो है कटअप है जो कि ये डॉक्यूमेंट है जेएसएलपीएस का, ये कटअप निर्धारित किया गया है जेएसएलपीएस के द्वारा। यहाँ पर देखिए जनरल के लिए जो है 40% का जो है वेटेज रखा, मतलब कटअप मार्क रखा गया है। मतलब अगर 50 नंबर का एग्जाम था तो आपको 20 नंबर लाना होगा जनरल को इसमें सिलेक्शन के लिए, नेक्स्ट राउंड सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू और जीडी के लिए। उसी तरह से जो है बीसी टू का जो है 36.5 है, तो इसमें 36.5 जो है जितना हो रहा है 50 का उसके अकॉर्डिंग जो है उसको 18 18.5 के करीब जो है होगा उसको लाना होगा बीसी टू को। उसके बाद बीसी वन को 34% हो रहा है मतलब 17 नंबर के करीब जो है उसको लाना होगा। एसटीएससी के लिए जो है 32% है, हैंडीकैप के लिए भी 32% है मतलब करीब करीब जो है 16 नंबर जो है उसको लाना होगा। और पीबीटीजी के लिए 30% है मतलब उसको 15 नंबर के करीब जो है लाना होगा, तब उसका जो है नेक्स्ट राउंड के लिए जो है सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ये कट ऑफ डेटा है, इतना नंबर इतना परसेंट अगर आपका आ जाता है तो आपका जो है नेक्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वेटेज है, ये वेटेज किसमें कितना है, जैसे रिटर्न में 60% है, इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में 20% है और पर्सनल इंटरव्यू में 20% है, ये वेटेज रखा गया है जेएसएलपीएस की तरफ से। ये जेएसएलपीएस के तरफ से ही इसको जो है ये जो है अप्रूव्ड जो है यहाँ पर कटअप है, इतना ही कटअप अगर आपका आता है तो आपका जो है नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 40% 36% 34% 32% 32% 30% इतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें बात ये आती है कि ये जितना भी आपका जाके रिजल्ट था वो दे दिया गया है, लेकिन इसमें पीएम एसपीएम जितने भी L4 L3 लेवल के जो वैकेंसी थे उसका इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि वो सब्जेक्टिव था, उसमें लिखना था इसीलिए इसका कोई OMR और ये नहीं था इसीलिए इसको नहीं अपलोड किया गया है। बाकी सारे को अपलोड किया गया है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है, आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए, बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। हमको लगता है 15-20 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर रहा है जेएसएलपीएस, आप देखिए क्या होता है। ओवरऑल तो लास्ट में जेएसएलपीएस के पास है, कब तक वो क्या कर दे। और सीसी का वैकेंसी भी जो है थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, आएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण कि वो अभी तक नहीं आ पा रहा है सीसी, और जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ब्लॉक लेवल का जो वैकेंसी आया हुआ था जो जिला आधारित जो है था उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो है बहुत अच्छा है कि रिजल्ट का जो है OMR शीट और ये सब जो है जनरेट कर दिया गया है जेएसएलपीएस की तरफ से। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।